हाँ अच्छा, एक और संज्ञान में लाना था कि जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ये शुरू हुई है, इसमें प्रत्येक सप्ताह दो दो विभागों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसके क्रम में समाज कल्याण विभाग का पहला आज का विभाग हम लोग का शुरू हो रहा है। इसके बाद गन्ना विकास विभाग होगा, चौथे सप्ताह में उच्च शिक्षा विभाग है, प्राथमिक शिक्षा विभाग है। तो समाज कल्याण विभाग को सर्वप्रथम इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की अनुमति दी गई है। तो इसके माध्यम से चूंकि समाज कल्याण हमारा विभाग जो है वो सीधे जनता से जुड़ा हुआ है, चाहे छात्रवृत्ति हो, ओल्ड एज पेंशन हो, इसलिए इसके बारे में ये डिटेल आप लोगों को बताया जाएगा। माननीय मंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि अपने योजनाओं के बारे में विस्तार से बताएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय योगी जी के सरकार के समाज कल्याण के राज्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर धर्मेश जी, अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के चेयरमैन आदरणीय डॉक्टर लाल जी निर्मल साहब, उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव समाज कल्याण आदरणीय मीणा जी, डायरेक्टर आदरणीय त्रिपाठी जी, डिप्टी डायरेक्टर आदरणीय जयराम जी, सभी पत्रकार मित्रों, योगी जी के सरकार में ये पहली बार हुआ है कि हम उत्तर प्रदेश के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों की कैसे व्यवस्था करते हैं। इसलिए चार साल पूरे होने वाले हैं तो उसका कुछ ब्यौरा आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या लगभग 23 करोड़, जो देश की कुल जनसंख्या का 17% है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया को छोड़कर विश्व के अन्य देशों से अलग है। समाज कल्याण विभाग द्वारा लगभग 1 करोड़ व्यक्तियों को सीधे DBT के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु समाज कल्याण एवं जनजातीय विकास का बजट प्राविधान 81,50,00,00,000 रुपया है, जो ये पहली बार हुआ है माननीय योगी जी के सरकार में। समाज कल्याण विभाग द्वारा समाज के कमजोर वर्गों, विमुक्त जाति, अन्य पिछड़े वर्ग, सामान्य वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। समाज कल्याण विभाग द्वारा वृद्धाश्रम पेंशन, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ, पूर्व दसमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शादी अनुदान की योजना को आवेदन पत्र ऑनलाइन किए जाने का तथा DBT के माध्यम से धनराशि वितरण किए जाने की व्यवस्था की गई है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सभी वर्गों के पुत्रियों की शादी हेतु मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का शुभारम्भ 2017-18 में किया। माह अगस्त 2018 में आय सीमा गरीबी की रेखा से बढ़ा करके 2,00,000 रुपये वार्षिक कर दी गई। वर्ष 2019 में योजना के अनुदान की राशि 35,000 से बढ़ा करके 51,000 कर दिया। पहले 35,000 दिया जाता था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हर जोड़े के लिए 51,000 रुपये खर्च किया जाएगा, उन्होंने आदेश कर दिया। इस प्रकार हमारी सरकार द्वारा सीमा में वृद्धि कर अधिक से अधिक लोगों को लाभ दिया। हमारी सरकार का उद्देश्य अनुदान की धनराशि बढ़ा करके विवाहित जोड़ों को गृहस्थी को सुचारू रूप से संचालन के लिए करना है। नगरीय निकाय, पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत स्तर पर विवाह हेतु पंजीकरण की व्यवस्था भी की गई है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना में सरकार गठन के अब तक कुल धनराशि 9,85,00,00,000 की व्यय किया जा रहा है। लगभग 3,55,000 से अधिक लाभार्थियों को अनुदान दिया गया है। हमारी सरकार ने अब तक 3,00,000 से ज़्यादा जोड़ों की शादी करें। वृद्धावस्था पेंशन की योजना अंतर्गत 51,21,000 वृद्धों को पेंशन दी जा रही है।
सरकार गठन के बाद 15 लाख नवीन पेंशनों को लाभ दिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 1920 में दसमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना अंतर्गत लगभग 27 लाख अनुसूचित जाति जनजाति एवं सामान्य वर्ग के बच्चों को लाभ दिया जा रहा है। प्रदेश में कुल 103 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित है। आश्रम पद्धति विद्यालय में छात्रों को निःशुल्क भोजन पाठ पुस्तकें आदि तथा राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। आश्रम पद्धति विद्यालय में छात्रों के निःशुल्क शिक्षा भोजन पाठ्यक्रम पुस्तकें आज सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा 7 राजकीय कोचिंग केंद्र जनपद लखनऊ में 2, प्रयागराज, अलीगढ़, आगरा, वाराणसी, हापुड़ में 1-1 संचालित किए जा रहे हैं। कोचिंग केंद्रों में विगत 4 वर्षों में कुल 489 अभ्यर्थी चयनित हुए, जिसमें 51 अभ्यर्थी PCS IAS परीक्षा में एवं 438 अभ्यर्थी अन्य सेवाओं में भी चयनित भी हुए। जनपद गोरखपुर में लगभग 8.72 अरब की लागत से एक नवीन राजकीय कोचिंग सेंटर का निर्माण कराया जा रहा है, जो जल्दी पूरा होने वाला है। राष्ट्रीय पारिवारिक योजना के में हमारी सरकार के अब तक 5 लाख से अधिक परिवारों को आर्थिक सहायता दिया है। इस योजना में परिवार के कमाऊ मुखिया की मृत्यु होने के दशा में जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम हो, सरकार द्वारा 30,000 रुपये के अधिक अनुदान प्रदान करती है। 60 वर्ष से अधिक के वृद्धजनों के लिए वृद्धाश्रम की व्यवस्था भी की गई। वृद्धाश्रम में निःशुल्क भोजन, आवासीय, वस्त्र, चिकित्सा आदि की सुविधा प्रदान की जाती है। वर्ष 2016-17 में प्रदेश में 22 जनपदों में वृद्धाश्रम स्थापित है। हमारी सरकार माने योगी जी की सरकार गठन के बाद प्रदेश में लगभग 75 जनपदों में वृद्धाश्रम की व्यवस्था पूरी कर दी गई। अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम द्वारा अनुसूचित जाति के युवाओं को स्वरोजगार के लिए विगत 4 वर्षों में लगभग 1,08,000 व्यक्तियों को अब तक 77 करोड़ रुपये के धनराशि देकर के लाभांश दिया गया है, जिसमें लगभग 1.08 अरब अनुदान के रूप में सम्मिलित है। अनुसूचित जाति और वित्तीय विकास निगम द्वारा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत 3,749 ग्रामों को चिन्हीकरण कर 20 लाख से की निधि से अवसर संरचनात्मक कार्यों का कराए जाने के लिए 1,072 ग्रामों की कार्य योजना अब तक तैयार हो चुकी है। जनजाति विकास द्वारा संचालित 87 लघु एवं उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय किए जाने की योजना प्रारंभ की गई है। उत्तर प्रदेश वन निगम से 320 लाख धनराशि का उपलब्ध कराई गई है। जनजाति विकास एवं विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री जनधन योजना VDB के अंतर्गत गैर लकड़ी के उत्पादों का प्रयोग करके जनजातियों के लिए आजीविका का साधन उत्पन्न करना है। योजना अंतर्गत सोनभद्र में 3 तथा ललितपुर में 2 वनधन विकास केंद्र संचालित है। जैसे जंगलों में पत्ते का है, लकड़ी का है, इस प्रकार से है। जनजाति विकास द्वारा एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय जनपद ललितपुर और सोनभद्र में भी निर्माणाधीन है, जो जल्दी पूरा होने वाला है। जनपद बिजनौर में सह शिक्षा जनजाति विद्यालय निर्माणाधीन है। जनपद सोनभद्र में भी प्रस्तावित है, जो इसी वर्ष पूरा कर लेने के लिए व्यवस्था है। जनजाति विकास द्वारा जनपद गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर, खीरी पलिया, बलिया विश्वविद्यालय परिसर, गोंडा जयप्रभा ग्राम एवं बलरामपुर पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोध संस्थान 5 छात्रावासों का निर्माणाधीन पूरा हो गया है। अभी तत्काल व्यवस्था होने जा रही ट्राइबल म्यूजियम की स्थापना लखनऊ में प्रस्तावित है, जो इसी वर्ष व्यवस्था करने के लिए जाए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एक बात चर्चा की थी कि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का जब तक उत्थान नहीं होता, जब तक चर्चा नहीं होती, तब तक हम
आज़ादी को भी अधूरा मानते हैं। मैं माने दिल्ली में बैठे माने मोदी जी का और उत्तर प्रदेश के यशस्वी और तपस्वी मुख्यमंत्री का, जो उन्होंने अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के ये साथ ही मिलकर के वहीं से कार्य प्रारंभ किया है। आने वाले दिनों में हम कोशिश करते हैं कि आए हुए तो अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति कोई भी बेरोजगारी और अभाव में अपना दम न तोड़ने पाए, इसके लिए सारी व्यवस्था की जाए। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। आप सबसे भी मैं आग्रह करता हूँ, आप समाज के उस चार खंभों में एक प्रथम खंभा हैं। आप जैसे चाहते हैं समाज की व्यवस्था वैसे बनती है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि सरकार द्वारा संचालित इन कार्यक्रमों को भी जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारी सरकार का, मोदी जी के सरकार का और हमारे डिपार्टमेंट का आप पूरा मदद करते रहेंगे, पूरा संचालन करते रहेंगे, हर प्रकार का सहयोग आपसे प्राप्त होता रहेगा। यही मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये अब हमको लगता है कि ये सारी व्यवस्था पूरी हो रही है। अब अगली बैठक में बैठेंगे तो हम पूरा डिटेल बता देंगे। निर्मल जी बताओ, निर्मल जी हमारे चेयरमैन है, उसके आपको बता देंगे। देखिए ये जो हमारी योजनाएं हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना, इसके अतिरिक्त और जो हमारी योजनाएं हैं, ये समाज के हाशिए के व्यक्ति के लिए हैं, जो आर्थिक रूप से विपन्न हैं, जिनकी वार्षिक आमदनी शहरी क्षेत्रों में 56,000 रुपए वार्षिक, आप सोच सकते हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में 46,000 रुपए वार्षिक उनके लिए है। हमारी ये कोशिश है, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने 25 नवंबर 2015 को विज्ञान भवन में कहा था दिल्ली में, कि हम अनुसूचित जातियों को रोजगार मांगने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनाना चाहते हैं। उसी तारतम्य में यद्यप उसके लिए बड़ी योजनाएं उन्होंने दी, इंडिया जो स्टैंड अप इंडिया योजना, जिसमें 1 लाख से 10 लाख तक की व्यवस्था दी जाती है, वह एक बड़े उद्यमी बनने के लिए है। लेकिन हमारी जो योजनाएं हैं वह ऐसे लोगों के लिए है जो प्रारंभ करें, बकरी पालन है, पशुपालन है, टेंट हाउस खोलना है, इस प्रकार की हमारी योजनाएं हैं, जिसका लाभ लेकर के आज हमारे हाशिए के समाज के लोग चलना सीख रहे हैं, रोजगार करना सीख रहे हैं, और अब बहुत तेजी के साथ हम लोग पूरे प्रदेश में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में इसके अच्छे परिणाम आपको देखने के मिलेंगे। बहुत जी है? नहीं, बकरी पालन परिवार के लोग होते हैं, परिवार के लोग होते हैं। देखिए बकरी पालन के लिए एक है, जब तमाम जानवर चराए जाते हैं तो एक आदमी पूरा चरा लेता है, बकरी के लिए दो आदमी जरूरत कहाँ है, 10-15 एक आदमी तो ऐसे कर लेता है। नहीं नहीं, एक ही बकरी नहीं, वो जितना पालना चाहे पाले। नहीं नहीं, अरे भाई चाय वाय पिलाओगे? छात्रवृत्ति नहीं मिली, तो इसके पीछे